स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने शायद रदरफोर्ड को रिस्पेक्ट नहीं दी अभी तक। तो आज की इस वीडियो के बाद आप रदरफोर्ड को रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन आप याद रखिएगा कि कोई भी एक्सपेरिमेंट कोई साइंसदान अगर कर रहा होता है तो उस एक्सपेरिमेंट होने से पहले बहुत से मुख्तलिफ साइंसदानों ने उसकी हेल्प की होती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जैसे हम मशहूर है कि रदरफोर्ड जो है उसने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया। तो अब ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने तो कर दिया, जिसकी तस्वीर भी आपकी किताब पे बनी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं, जैसे ये आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली कह लो कि एटॉमिक लेवल तक डायग्राम बनाई गई है और दिखाया गया है कि जो गोल्ड फॉयल है वो कुछ शायद दो एटम लेयर बनी हुई है, दो कॉलम्स बने हुए हैं एटम्स के और वो थिक है। तो उसमें से एक श्वाएं गुजर रही है, उसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ आज के लेक्चर में। तो आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने सबसे पहले डॉल्टन के नज़रिए को देखा, फिर हमने थॉमसन के नज़रिए को देखा, अब हम बात करने लगे हैं रदरफोर्ड के नज़रिए की। लेकिन बीच में हेल्प की फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिस्कवर करने में विलियम क्रूक्स ने, गोल्डस्टाइन ने और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स जैसी मतलब पार्टिकल्स को प्रॉपरली बताया और उसको इंटीग्रेट किया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अब आप कह लो कि ये जो हमारे पास प्रॉब्लम था, जो कि आपको याद होगा कि प्लम पुडिंग मॉडल में हमने कहा था कि जो प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम में डिस्पर्स हैं, यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम में क्या है, डिस्पर्स हैं। लेकिन इस बात को हमने तय करना था कैसे डिस्पर्स हैं, कैसे फैले हुए हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम में, कैसे मौजूद हैं। तो उसके लिए फिर एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, ताकि ये वो बता सके कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम में किस तरह लोकेटेड है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है। ये टॉपिक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, क्या थ्योरी है एटम का स्ट्रक्चर। याद रखो एटम को नहीं देख सकते, एटम बहुत छोटा पार्टिकल है, इतना छोटा कि नहीं देख सकते, इट्स अ वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल। तो अब देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन स्ट्रक्चर का अंदाजा ख्वाबो खरगोश में लगाया तो जा सकता है। तो समझ लें मैं आपको ख्वाबो खरगोश की दुनिया में ले गया, ख्वाब खरगोश, खरगोश नहीं वो खरगोश नहीं। तो अब हुआ क्या हुआ ये स्टूडेंट्स, कि अब आपको जैसे कि बुक में तस्वीर बनी हुई है कि अब ये मैंने दो एटम्स के कॉलम बना लिए दो, और आपको मैं बेसिकली रदरफोर्ड की सोच बता रहा हूँ। ये अब न्यूक्लियस मैंने सेंटर में कर दिया है, ये रदरफोर्ड की सोच थी कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है। तो हुआ ये कि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर रिसर्च हुई, उसने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया। किसने? रदरफोर्ड। उसके स्टूडेंट्स पहले उसके लैब में काम करते रहे, लेकिन आप फिर कह लो कि रदरफोर्ड बताते खुद गया लैब में और उसने फिर जो है अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे मारा। अब देखो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स कह लो कि ये हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। हीलियम आपको पता है पीरियोडिक टेबल का सेकंड एलिमेंट है, फोर्थ का मास है। अल्फा पार्टिकल को आपने लिखना होगा तो ऐसे ही लिखोगे, यानी आप कह लो कि अगर हमारे पास एक हीलियम का एटम है, आपको पता है कि न्यूक्लियस हीलियम का उसमें दो प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और दो ही न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन को भूल जाओ, प्रोटॉन तो है ना, और बाहर आपको पता है कि दो प्रोटॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन को भी भूल जाओ, शेल नहीं होगा फिर, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो शेल क्या कर रहा है। तो अब ये क्या बन गया, दो प्रोटॉन वाला मूवेबल पार्टिकल, दो प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस, तो इसको आप क्या कहोगे, अल्फा पार्टिकल। क्या कहोगे? न्यूट्रॉन भी निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिए, पीछे जो बच गया वो अल्फा पार्टिकल है। अब ये अल्फा पार्टिकल बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था मैरी क्यूरी ने, उन्होंने दो एलिमेंट डिस्कवर किए थे, बेसिकली रेडियम जो कि 88th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, और पोलोनियम जो कि 84th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, ये उन्होंने डिस्कवर किए थे। और देखा लेट से तड़के इसमें मैं जिस तरह आप इसमें से माचिस का पटास डालते हो या कुछ भी मट्टी डालते हो, व्हाटएवर रेत या नमक, इस तरह से मैं रेडियम डालूंगा इसके अंदर तो इसमें से श्वाएं निकल रही हैं जो नजर नहीं आती हैं, इस तरह मैं गन में लगा दूंगा उसको तो फिर यहाँ से श्वाएं निकल रही होंगी। और फिर समझ लो कि ये जो मोबाइल की स्क्रीन है ये एक गोल्ड फॉयल है जिसकी थिकनेस 0.0040, याद रखो ये बोर्ड में MCQ भी आता है। अच्छा अब हम वीडियोज में कुछ खास कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा एक बात बताना चाह रहा हूँ, हम डिस्क्रिप्शन में MCQs भी बना रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बना रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको दे रहे हैं। तो आपने हमारा ये डाटा जो हम दे रहे हैं आपको, हम बोर्ड के पेपर में भी दिखाएंगे कि ये डाटा आपके बोर्ड के पेपर में भी आया हुआ है,
तो आपने ये डिस्क्रिप्शन से फाइल उठा लेनी है, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेनी है, या डिस्क्रिप्शन में जो एमसीक्यूज हैं ये कॉपी पेस्ट कर लें आप। यहाँ से तो नहीं होंगे, मोबाइल एप्लीकेशन यूट्यूब से तो नहीं होंगे, लेकिन आप क्रोम में जाओ, वहाँ पे यूट्यूब खोलो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से कॉपी पेस्ट हो जाते हैं या कंप्यूटर से ईजिली हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था आप क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं, यानी कोई टीचर हजरात मुझे अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए बच्चों को असेस करना आसान है, मैं क्वेश्चन सारे आपको बना के दे रहा हूँ बायोलॉजी केमिस्ट्री के लिए और मुख्तलिफ मैथमेटिक्स फिजिक्स जितने भी मैट्रिक और इंटर के सब्जेक्ट्स हैं इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। बराबर, बात क्या हो रही थी, बात हो रही थी कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल निकलते हैं मैडम क्यूरी के डिस्कवर किए हुए एलिमेंट्स में से। हमने इसमें डाले अल्फा पार्टिकल्स, अब निकल रहे हैं सामने गोल्ड फॉइल को आगे हिट कर रहे हैं। तो गोल्ड फॉइल को जब हिट कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, तो रदरफोर्ड का एक ख्याल था। अब रदरफोर्ड का क्या ख्याल था अल्फा पार्टिकल के गुजरने का गोल्ड फॉइल से, ये मैंने आपको बताना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, तो दूसरी लाइन में मेरे ख्याल में तीसरी लाइन आपको क्लियर हो गई है। तो दे कैन पेनिट्रेट थ्रू द मैटर टू सम एक्सटेंट, ये आखिरी बात है, यानी कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं मतलब आपके अंदर से या कह लें कि गोल्ड फॉइल से गुजर जाते हैं। जितनी हमने बारीक गोल्ड फॉइल की शीट ली है, अब साहब लोग हैं ना कि एक सेंटीमीटर के हमने कितने ज़्यादा टुकड़े कर दिए हैं, तकरीबन कोई 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि कोई तकरीबन लगभग कोई 100,000 टुकड़े कर दिए हैं एक सेंटीमीटर के। तो कितनी बारीक, जिस तरह आपने कभी मोतीचूर के लड्डू खाए हों, मोतीचूर के लड्डू के ऊपर एक फॉयल होता है, तो उस मोतीचूर के लड्डू में जो फॉयल होता है कितना बारीक होता है, उसको पकड़ते हैं तो वो टूट जाता है। इस तरह समझ लें गोल्ड फॉयल भी क्या है, एक फॉयल है, जिस तरह सिगरेट की डब्बी से एक फॉयल निकलता है, ठीक है ना। एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग सिगरेट्स ओवर हेयर, लेकिन फिर भी आप अमूमन आपके वालदैन में कोई पीता हो या कोई रिश्तेदारों में से कोई पीता हो तो उस सिगरेट के अंदर से भी फॉयल निकलता है, वो भी काफी मोटा फॉयल होता है, लेकिन मैं जो आपसे फॉयल की बात कर रहा हूँ बड़ा बारीक फॉयल होता है, तो वो उसने लिया। अब ये थोड़ा मतलब इतना बारीक है कि इसमें से अल्फा पार्टिकल गुजर जाते हैं, लेकिन आप कहें सर ये ईंट पड़ी हुई है, अल्फा पार्टिकल मारे इसको, ये शुआएं मारे जो नजर भी नहीं आती, तो क्या ये ईंट में से निकलेंगे, तो ईंट में से निकलेंगे, इतनी हाईली पेनिट्रेटिंग नहीं है, किसी हद तक पेनिट्रेटिंग है। तो अल्फा पार्टिकल्स किसने डिस्कवर किए, मैडम क्यूरी ने, इधर नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये मैं आपको अपनी रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूँ और आप बेशक इसको देख भी सकते हैं गूगल से। तो ये रेडियम और पोलोनियम जो है वो डिस्कवर किए, और ये मतलब मैं आपसे सवाल भी कर सकता हूँ कि विच एलिमेंट्स एमिट अल्फा पार्टिकल्स, तो आपने किन दो एलिमेंट्स को याद रखना है, रेडियम एंड पोलोनियम, ठीक है, रेडियम एंड पोलोनियम। अच्छा स्टूडेंट्स, आखिर में जाके मैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी आपने लाजमी सुननी है, उसमें भी आपको पता लगेगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में क्या सुनना हो रहा है। तो इसको हम आगे लेके चलते हैं और आगे बताते हैं कि गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने आखिर किया कैसे और क्या किया जी। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि आखिर रदरफोर्ड कर क्या रहा था लैब के अंदर। वो गोल्ड फॉयल उसने रखा हुआ था, लेट्स से दैट कि ये गोल्ड फॉयल है, ठीक है, ये गोल्ड फॉयल है और ये किसी स्टैंड से टंगा हुआ है, ठीक है, और ये वो गन लगी हुई है, ठीक है, ये वो गन लगी हुई है जिस गन से जो है वो क्या निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स। और आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल की सोर्स क्या है, क्या सोर्स अल्फा पार्टिकल्स की, हाँ, रेडियम और पोलोनियम। आपको पता है ना कि अल्फा पार्टिकल रेडियम और पोलोनियम में से निकलते हैं, तो रेडियम और पोलोनियम से निकल रहे हैं और आगे टकरा रहे हैं किसको, गोल्ड फॉयल को। अब वो ये जब फेंक रहे हैं अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल पे, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है कुछ, अब वो जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये क्या सीन हो रहा है, मतलब रदरफोर्ड, फिर वो अपनी ऑब्जर्वेशन को बताएगा भी आपको। लेट्स से दैट कि अल्फा पार्टिकल, लेट्स से दैट हम इसको बड़ा कर लेते हैं, लाखों गुना बड़ा कर लेते हैं। अब ये जो एक शीट की थिकनेस है 0.004 सेंटीमीटर, अब आपको पता है कि ये काफी ज्यादा क्या हो गई है, ये काफी ज्यादा बड़ी कर ली हमने माइक्रोस्कोप, एक आंखों की माइक्रोस्कोप से कह रहे हैं आप, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, लेट्स से दैट ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल ये आ रहे हैं, और ये भी न्यूक्लियस है, लेट्स से दैट ये भी क्या है पॉजिटिवली चार्ज, और ये भी क्या है पॉजिटिवली चार्ज। तो ये टकराने के बाद क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, और ये आप कह रहे हैं ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, अब यहां टकराया बिल्कुल नीचे करके, और फिर क्या हो रहा है, थोड़ा एंगल डाइवर्ट हो गया नीचे की तरह एलिवेट कर रहा है, कहते हैं डिफ्लेक्शन, समझ रहे इस चीज को। और फिर जब अल्फा पार्टिकल है ये आ रहा है और आकर टकरा रहा है, बल्कि टकराया बगैर ही गुजर गया,
क्योंकि न्यूक्लियस रास्ते में आया ही नहीं है उसकी, और फिर एक लोग पार्टिकल आ रहे हैं और बिल्कुल सेंटर में टकरा रहा है न्यूक्लियस के, लेट्स से दैट, और बिल्कुल ही उसी एंगल में वापस आ रहा है, जैसे आपको मैं दीवार पे एक बॉल मारूंगा वो वापस आ जाए मेरे पास, इसे कहते हैं बाउंस बैक। क्या हो रहा है? अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? या तो टकराए बगैर गुजर रहे हैं, या तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, या तो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, या बाउंस बैक कर रहे हैं। ये किसको पता लग रहा था? अच्छा, ये बेसिकली पता कैसे लग रहा था, ये भी तो क्वेश्चन है। अल्फा पार्टिकल तो नजर नहीं आते, तो जब वो गन से मार रहा तो नजर तो कुछ आ नहीं रहा, उसको कैसे पता लग रहा था? उसको पता लग रहा था यहां पे ना, उसने बैक साइड पे अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर लगाया हुआ था। अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर, अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर क्या करता था? अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर ये करता था कि जब अल्फा पार्टिकल आगे इसको टकरा देता ना फॉइल को, तो जब फिर इसमें से आपको पता है काफी ज्यादा, उसका मानना था कि कोई 20,000 पार्टिकल जो है अगर मैंने मारे हैं, इस गन से कितने निकले? 20,000 अल्फा पार्टिकल अगर निकले हैं, तो फिर कोई थोड़े बहुत ही डिफ्लेक्ट हुए और रिफ्लेक्ट हुए और बाउंस बैक हुए, थोड़े बहुत ही, लेकिन सारे के सारे फॉयल के अंदर से गुजर गए हैं। समझे इस चीज को? जैसे कि लेट्स से दैट के मैं यार सामने कमरा है, हम जैसे आप कमरे में बैठे मुझे देख रहे हैं, कमरे के सेंटर में छोटी सी टेनिस की बॉल लगा देते हैं और हम पीछे से बहुत ज्यादा बॉलें फेंकते हैं। लेट्स से दैट के हमने फुटबॉल लगा दिया कमरे के सेंटर में और पीछे से वो जो टेबल टेनिस की बॉल होती छोटी सी, वो दो दो इकट्ठी करके वो हम सारी फेंकते हैं एकदम 20,000 फेंकते हैं। तो आपको पता है फुटबॉल तो कमरे में थोड़ी सी जगह पे है, तो जहां भी फुटबॉल को वो टेनिस बॉलें टेबल टेनिस बॉलें टकराएंगी वही साइडों पे जाएंगे, बाकी सारी तो जाकर पीछे दोबारा टकरा जाएंगे। समझे इस चीज को? यानी कि जब अल्फा पार्टिकल मारे गए तो तकरीबन सारे के सारे अल्फा पार्टिकल क्या हुए? डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन बाउंस बैक के बगैर ही गुजर गए अंदर से और पीछे जाके टकराए किसके, किस पे जाके टकराए? डिटेक्टर में। अल्फा पार्टिकल तो आ रहे हैं ना, अल्फा पार्टिकल तो आ रही है, टकराए किस पे? डिटेक्टर। अब लेट्स से दैट के मैं इस कमरे को एक्सपोज कर लूं, कमरे में आप बैठे हुए, अब मैं जब अल्फा पार्टिकल मार रहा हूं तो फुटबॉल को टकराए नहीं अल्फा पार्टिकल, लेट्स से दैट मतलब न्यूक्लियस को नहीं टकराए, तो अब वो जाके दीवारों को टकरा रहे हैं, लेकिन मुझे तो अल्फा पार्टिकल नजर नहीं आते, मुझे कैसे पता लगेगा टकरा रहे? उसके लिए क्या यूज करेंगे? डिटेक्टर यूज करेंगे। तो डिटेक्टर जो है वो कह लोगे जिंक सल्फाइड पेंट कर देंगे, ठीक है, क्या नाम है? जिंक सल्फाइड पेंट, या फिर हम कर देंगे यूज करेंगे, सर आपने इस कमरे में सॉफ्ट बोर्ड लगाया है, ठीक है, या आप कह देंगे इस कमरे में आपने लगा दिया है कोई ग्लेस पेपर, तो इसी तरह आपने कभी देखा होगा फोटोग्राफिक फिल्म होती है, क्या होती है? फोटोग्राफिक फिल्म होती है, तो वो लगा देंगे, तो उस पर कह देंगे थोड़ी सी धुंधलाहट आएगी, उस पर क्या आएगी? थोड़ी सी धुंधलाहट आएगी, इसे हम कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट लगाना, डिटेक्टर फोटोग्राफिक प्लेट होगी, जिंक सल्फाइड पे जब आप कह अल्फा पार्टिकल टकराते हैं रोशनी पैदा होती है स्टार की तरह, जैसे स्टार रात को समाप्त स्टार नहीं चमकते, ऐसे जब अल्फा पार्टिकल टकराता है तो जिंक सल्फाइड पेंट पे चमक पैदा होती है। तो उसने फिर स्टूडेंट्स को दिखाया, ये देखो इधर भी चमक पैदा हो रही है, इधर भी, ये देखो बिल्कुल साइड पर भी हो रही है, ये गोल्ड फॉइल है तो पीछे भी यहाँ पे भी चमक पैदा हो रही है अगर हमने जिंक सल्फाइड का पेंट किया हुआ, फिर सारी की सारी चमकें उधर पीछे पैदा हो रही हैं। तो फिर जब ये उसने बात की तो फिर ये एक्सपेरिमेंट की कुछ ऑब्जर्वेशन हैं। अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या हैं ये मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और उसके रिजल्ट्स क्या हैं ये भी मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, एंड आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या है फॉर डिटरमिनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब एटम के स्ट्रक्चर को यहाँ पर वो रिवील करेगा, और जो जो मैं बातें आपसे करूंगा आप कहेंगे यार क्या कमाल की सोच थी रदरफोर्ड की जो उसने सोची। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने आपसे पहले भी की है कि रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहा जाता है, रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहा जाता है। होप सो आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ आपके लिए अवेलेबल है, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।